आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान मेजोटेक में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अबेकस की क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबेकस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो देख लेते हैं। अबेकस जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका एक स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड में बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इसका जो आउटर पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटर फ्रेम बोलते हैं। देन इसके नीचे ये कुछ बीड्स दिख रही होंगी आपको, इस रॉड के बीच में नीचे वाले जो बीड्स है इसको बोला जाता है लोअर बीड्स। देन जिन जो बीड्स में ये लगे हुए हैं उसको बोला जाता है रॉड्स। एक बीच में आपको एक रॉड दिख रही होगी, ये जो रॉड बीच में दिख रही है इसको बोला जाता है आंसर बार। देन उस बीड के आंसर बार के ऊपर भी एक बीड दिख रही है, तो इस बीड को बोला जाता है अपर बीड्स। और उसके साथ में आपको कुछ वाइट वाइट पॉइंट्स दिख रहे होंगे इस अबेकस में, तो ये जो वाइट वाइट पॉइंट्स हैं इसको बोला जाता है पॉइंटर्स। और एक मिडिल में आपको एक पॉइंटर दिख रहा होगा, ये जो मिडिल में पॉइंटर दिख रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है हाउस पॉइंटर। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये जो हाउस पॉइंटर है इसके राइट साइड, मतलब इस साइड में, ये जो राइट साइड है मतलब हम ऐसे जब इसको देखेंगे तो ये हमारा राइट पोर्शन हो जाएगा। तो इस राइट पोर्शन में हम क्या करते हैं, जितना भी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का प्रोसेस होता है, यहाँ पर हम गुणा और भाग की जितनी भी विधियां होती हैं वह करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का जितना भी पार्ट होगा वो राइट साइड होगा अबेकस की, और जितना भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा मतलब जोड़ एंड घटाव का जितना भी पोर्शन रहेगा वो हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा। तो अबेकस को के जितने भी बीट्स होती है उसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से काउंट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये जो अबेकस का हाउस पॉइंटर है, ठीक, इस हाउस पॉइंटर के यहां से आप काउंट करेंगे। तो इसको बोला जाता है बंस प्लेस, मतलब इकाई, टेंस दहाई, हंड्रेड सैकड़ा, थाउजेंड हजार, देन टेन थाउजेंड, दस हजार, लैख, देन टेन लैक्स, मतलब दस लाख। क्लियर हुआ। हमको प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखनी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख एंड टेन लैक्स। आपको जब तक प्लेस वैल्यूज नहीं पता होंगे तो आप इसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्लेस वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी वंस से स्टार्ट होती है। ठीक, वंस से स्टार्ट होती है मतलब इकाई से स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं इकाई की जितनी भी वैल्यूज है या फिर वंस की जितनी भी वैल्यूज है उससे हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बोर्ड में आपको एक एक बीट्स के साथ में इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि किस नंबर्स को आप कितने बीट्स ऊपर करेंगे तो उसका मतलब उतना होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्या करना है, वंस लिखना है, वन लिखना है, आपको वन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इस अबेकस में से वंस प्लेस से इकाई की संख्या से आपको एक बीट अप करनी है। मतलब क्या करेंगे, आपका जैसे ये बीट है, ठीक, ये जो बीट है यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक, सिर्फ वन बीट को अप करना है। इसका मतलब क्या होगा, वन होगा। ठीक, वंस की प्लेस की एक बीट यदि आप अप करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। देन सेकेंड यदि लिखते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, टू बीट्स को अप करना है। थर्ड के लिए, थ्री के लिए थ्री बीट्स को अप कर देना है, एंड फोर के लिए आपको फोर बीट्स को अप कर देना है। यदि आप यहां के ये देखेंगे, ये जो चारों बीट्स है हाउस पॉइंटर के, वंस प्लेस के चारों बीट्स को यदि आप अप कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर होगा। ठीक, देन यदि हम फिफ्थ फाइव की बात करें तो फाइव के लिए क्या होगा कि अपर जो अपर बीट्स है, ठीक, यहां पर हमारी क्या होंगी, चारों जो लोअर बीट्स है ये डाउन हो जाएंगी, चारों जो लोअर बीट्स है वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। देन जो अपर बीट है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ डाउन होगी, अपर बीट डाउन होगी और यहां से चारों बीट्स डाउन हो जाएंगे। तो अपर बीट जैसे ही डाउन होगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा फाइव। यहां पर हम क्या करेंगे, अपर बीट्स को डाउन करेंगे। सब में हम क्या कर रहे थे, फोर तक की वैल्यू के लिए हमने लोअर बीट को अप किया था, यहां पर हम क्या करेंगे, अपर बीट को डाउन करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा।
देन अब 5 के साथ में आप 6 यदि 6 लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस जगह पर अपर बीट को डाउन करेंगे और 1 एक लोअर बीट को अप कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यदि आपको मैं बताऊं तो यहां से हमने क्या किया, एक अपर बीट को डाउन किया और एक लोअर बीट को अप कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 हुआ। सेम एज इट इज 7 होगा, अपर बीट को डाउन करेंगे और 2 लोअर बीट को अप कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। सेम एज इट इज 8 हो जाएगा, अपर बीट को डाउन करेंगे एंड 3 लोअर बीट को अप कर देंगे। देन 9 हो जाएगा, 9 के लिए क्या करेंगे, अपर बीट को डाउन करेंगे और जो 4 लोअर बीट्स थी चारों को अप कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपके 9 तक की वैल्यू, मतलब वंस वैल्यू जो है, वंस प्लेस है, इकाई की संख्या है, ये कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस वैल्यूज को पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम टेंस प्लेसेस को देखेंगे कि टेंस प्लेसेस को कैसे फाइंड किया जाता है अबेकस में। और यदि आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक गूगल फॉर्म डला हुआ है, उसमें आप रजिस्टर करके हमारी डेमो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो भी इंक्वायरीज है यहाँ पर आपका, इसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।